मिस्टर घर आए हैं और घर आते ही मुझे बोल रहे हैं कि रेडी हो जाओ, हम लोग चल रहे हैं घूमने। खैरियत? बस बोरियत हो रही है और टाइम हो रहा है, ये टाइम हो रहा है और मुझे बोल रहे हैं चलने, मतलब अब कुछ भी यार। और मेरी बेटी खुश हो गई है, उनकी तो ईद हो गई है ये सुन के कि हम लोग घूमने जा रहे हैं। चलना है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जाना है? चलो चलते हैं फिर। इस दो बाबा को पहले जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी रेडी, चलो रेडी होते हैं, चलो चलो। और मैं यहाँ पे जो है वो रेडी हो गई हूँ, लगभग बस स्कार्फ बनाना रह गया, बाकी तो मेकअप वगैरह सब मैंने डन कर ही लिया। इतना लाइट मेकअप किया, ज्यादा डार्क मेकअप नहीं किया। शादी को नहीं जा रही हूँ, घूमने जा रही हूँ, खाना खाने जा रही हूँ, घूमने भी नहीं सिर्फ खाना खाने जा रही हूँ। और यहाँ पे मेरी बेटी भी जो है वो रेडी हो गई है, और इन्हें इनके बाबा ने रेडी किया। किसने रेडी किया आपको? आज न्यू ड्रेस पहने मेरी बेटी ने, ब्यूटीफुल लग रहा है मेरा बेटा। अभी इसको बस इनका डांस स्टार्ट हो गया, तो बस जल्दी से स्कार्फ बना लेती हूँ। उदय भी रेडी हो रही है और फातिमा को शूज पहनाते हैं और चलते हैं कि कहाँ जाते हैं। फाइनली उदय भी रेडी हो गए, और उदय को मैंने यहाँ पे लेमन वाटर बनाकर दिया है ताकि इनकी थोड़ी थकावट उतर जाए जो पूरा दिन की थी, और अभी एनर्जी आ जाए दोबारा मेरे साथ जाने के लिए। तो रेडी है? आ गई एनर्जी? चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? आई डोंट नो, बोल दिया फिएस्टा। निकालिए, मामा को शोर कर जा ले, मामा को लेके नहीं जा ले। चलो आओ दादू को बताते हैं, चलो आज दादू को बताते हैं। चलो 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 दादू को बताते हैं जल्दी से। दादू ओपन द डोर। अच्छा सही है ना, मैं फातिमा और जय के साथ जा रही हूँ, ठीक है? आपको बस बताना था। सो गई थी? हाँ बस लेटी हुई। अच्छा अच्छा चलो सही है, हम लोग जा रहे हैं। सही मामा, अल्लाह हाफिज। मेरी बेटी बोर हो रही है, और ये हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं भाई? कराची द सिटी ऑफ लाइट्स, वाओ, बाकी सिटी ऑफ लाइट बन गई है। तो फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, और हम लोग को पहुंचने में ही आधा घंटा यानी 30 मिनट्स लग गए, 30 to 40 मिनट्स हम लोग को लगे हैं। और रास्ते में आते आते मेरा स्कार्फ ख़राब हो गया था, ये बहुत तेज़ हवा थी, आप लोग बाइक की वीडियो तो देख ही चुके होंगे, और उसे बाइक चला नहीं रहे थे, हवा में उड़ा रहे थे, तो जिसकी वजह से मेरा स्कार्फ बिल्कुल ख़राब हो गया था। मैंने यहाँ आके खोल लिया, मैंने कहा बाद में बना लूँगी। और फातिमा के लिए हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया फ्राइज़, जैसे कि वो हर बार खाती है फ्राइज़। हम लोग कुछ और मंगवाए नहीं मंगवाए, फातिमा का फ्राइज़ खाना तो कंपलसरी है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फातिमा के लिए सिंपल प्लेन फ्रेंच फ्राइज़ मंगवा दिए थे, तो वो अपने फ्राइज़ इंजॉय कर रही थी। और उसके बाद वहाँ पे किसी लेडी के पास जो है वो कैट थी, तो फातिमा को कैट बहुत ज़्यादा पसंद है, वैसे ही वो घर में जो कैट आती है उसके पीछे भी लगी रहती हैं। तो पहुँच गई फातिमा कैट लेने के लिए, और यहाँ पे कैट को लेके आ गई, और बेचारी कैट भी बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़ हो रही थी कि मुझे ये क्या कर रही है फातिमा, उनको उठा के गोद में इधर से उधर घूम रही थी। और कैट वाकई बहुत स्वीट थी, इतनी वाइट कैट और इतने सिल्की हेयर्स थे कैट के, मुझे खुद बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैंने उसे को बोला फातिमा के लिए भी एक कैट ले आइएगा, ऐसे ही उसे बोले नहीं, उसको केयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, केयर नहीं कर पाओगी। लेते हैं या नहीं लेते हैं ये तो बाद में डिसाइड करेंगे, और फिलहाल फातिमा ने बहुत ही मुश्किल से जाके उन लोगों की कैट उन्हें वापस की थी। सही से पकड़िए। और फाइनली हम लोग का खाना 40 to 45 मिनट के बाद आ गया, बहुत ही तेज भूख लग रही थी, मैं बहुत देर से खाने का वेट कर रही थी, और फाइनली हम लोग का खाना आ गया। मैंने तो अपना हर बार की तरह फेचिनो अल्फ्रेडो पास्ता ऑर्डर किया था, मुझे बहुत ज्यादा जो पसंद है, मेरा फेवरेट है। और जैद ने अपने लिए बीफ स्टीक ऑर्डर किया था, अब इनका कौन से वाला था वो मुझे याद नहीं है। तो बाकी जैसे ही आके हम लोग का खाना लगा, फातिमा जो मेरे ब्रेड के पीछे लग गई, फातिमा ने वो ब्रेड ले लिया, और यहाँ पे हम लोग अपना खाना खाए थे, और यह बहुत टेस्टी था, मतलब मुझे इतना पसंद है इनका ये क्रीमी पास्ता, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी होता है। और फातिमा ने अपना फ्राइज़ खाया, और बाबा के साथ कुछ राइस और बीफ खाया, और मेरे साथ भी कुछ पास्ता और चिकन खाया, उसके लिए हम लोगों ने कुछ अलग से ऑर्डर नहीं किया था, वो वैसे भी वेस्ट कर देती है। तो यहाँ पे हम लोग का खाना तो जो है वो अल्लाह का शुक्र है हो चुका था, खाना कंप्लीट हो चुका था, और फिर उसके बाद हम लोगों को घर जाना था। मुझे बहुत ज़्यादा अब नींद आ रही थी, बहुत सुस्ती हो रही थी, खाना खाने का तो वैसे भी कुछ करने को दिल नहीं करता है, और उजाय यहाँ पर बिनिंग कर रहे थे, और मैंने अचानक से उजाय की तरफ कैमरा घुमा दिया, और उजाय कन्फ्यूज़ हो गए, मैंने अचानक से घुमाया बिना बताए। और बस अब यहाँ पर उजाय की जैसे कि हर बार की तरह ड्यूटी है कि फातिमा को गोद में लेके जाना, उजाय फातिमा को गोद में लेके जा रही है, और मैं पीछे पीछे चुप से कैमरा लेके जो चलती आ रही हूँ और उनकी वीडियो बना रही हूँ, उन्हें वैसे
से नहीं पता था मैंने यहाँ वीडियो बनाई है। और यहाँ पे जो वो मैंने रियल वॉइस में वीडियो बनाई थी, लेकिन जो है वो शोर इतना ज़्यादा था, हवा इतनी तेज़ थी कि वॉइस ओवर मुझे करना पड़ा। मैं यहाँ पे उजय को बोल रही थी कि मुझे अब कहीं और लेकर चलो, उजय बोला आई डोंट नो कुछ और खुला होगा या नहीं खुला होगा, अगर कुछ खुला हुआ तो ले जाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ भी खुला हुआ नहीं था। और ये आ गया अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार। तो 4 साल हो गए मुझे कराची आए हुए, पर मैं यहाँ पर एक दफ़ा भी नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे ख़ुद भी मज़ार पे जाना मतलब नहीं, मैं उसको प्रेफर करती कि लेडीज़ जो है वो मज़ार पे जाएंगे, क्योंकि लेडीज़ को कब्र पे जाना वैसे भी अलाउ नहीं है। खैर ये सबका अपना अपना है, मैं इस चीज़ पे ज़्यादा मज़ीद डिस्कस नहीं करूँगी। तो यहाँ पे रोड बिल्कुल खाली थे, बिल्कुल मतलब एक दो गाड़ी या एक दो बाइक आपको रोड पे नज़र आएंगी, और इतना मज़ा आ रहा था, इतनी तेज़ हवा और तेज़ बाइक और कोई भी नहीं था रोड पे, बहुत सुकून था। हम लोग घर आ गए हैं, फातिमा थक गई है, इसके अंदर उठने की भी हिम्मत नहीं है, इसलिए लेटी हुई रास्ते में सो गई थी। अभी इनको चेंज करवाती हूँ और सुला देती हूँ, और हम लोग घर पहुँचे हैं रात के 2:30 बजे। अभी 2:30 का टाइम हो रहा है, मतलब हम लोग 2:30 बजे घर पहुंचे। नींद आ रही है बेटी को, सोना है, चलो सोते। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए। मैंने सोचा था वहां से हम लोग कहीं और चले जाएंगे, लेकिन हम लोग घर कितने बजे पहुंचे वो तो आप लोग देख लीजिए कि 2:30 बजे घर पहुंचे। तो इतने लेट नाइट तो कुछ खुला हुआ हो नहीं सकता था, कुछ चीजें खुली हुई थी, ज्यादा चीजें नहीं खुली हुई थी, तो फिर हम लोग डायरेक्ट घर आ गए। जी कैट को क्या हुआ? अभी तक मेरी बेटी को कैट याद है, आपको कैट चाहिए, इसको अभी तक कैट याद है, और ये रास्ते में सो गई थी और नींद से उठती बोली मम्मा मेरी कैट कहाँ है, और अभी भी ने कैट ही याद आ ली। बोली छुई छुई बेटी, आप कैट के साथ भागती हो? ओ मेरा बाबा। तो जो अब मैंने खाना बनाया था वो तो वैसे का वैसे है, तो अब इसको जो है वो एक काम करती हूँ फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि कल ये यूज हो सके, वेस्ट नहीं होगा यार, खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ सारा खाना, कल यही गर्म करके उजैर को खिलाऊंगी। और यहाँ पर जो है वो फातिमा सो चुकी है, बहुत ही मुश्किल से सोई है, कैट कैट ही कर रही थी, और फातिमा के बाबा भी यहाँ पे सो गए हैं, लेकिन मैं अभी तक नहीं सोई हूँ, कि मुझे वीडियो एडिट करनी थी जो मुझे कल अपलोड करनी है, मैं एडिट नहीं कर सकी क्योंकि हम लोग बाहर चले गए थे। तो अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, बस वीडियो एडिट हो जाए उसके बाद जो है मैं सो जाऊँगी, ताकि सुबह कल मुझे वीडियो अपलोड करने में मसला ना हो। और ये सुबह नाश्ते का व्लॉग है, मैं नाश्ते का व्लॉग इसलिए बना रही हूँ कि हम लोग रात में बहुत ज़्यादा लेट सोए थे और सुबह बिल्कुल लेट उठे, तो नाश्ता भी हम लोग का जो है वो बहुत ज़्यादा लेट हुआ, और मेरी कल की वीडियो भी बहुत लेट अपलोड हुई, 5:00 to 5:30 के दरमियान में ही मेरी वो वीडियो अपलोड हुई थी। और बस इसी से मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, उम्मीद है आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का हर बार की तरह वेट कीजिएगा।